एंड आज हैं हम अपने गांव में एंड यू कैन सी आई एम इन द सेम अटायर। तो ओके सो ये है हमारा मंदिर जो कि बोलते हैं हम थाई देवी, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं, लाइक यहाँ पे शिवलिंग है अंदर शिव जी की पूजा करने के लिए, फिर हनुमान जी हैं, शनि देव जी हैं, और ये हमारे पीपल। सो ये बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ है यहाँ पे, और इन्होंने बहुत ही सुंदर यहाँ पे एक शालिका सी बनाई है। सो लेट्स गो अहेड एंड सी समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। हम चाह रहे हैं हम खेतों की साइड यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो सबसे आगे चल रहे हैं हमारे संदीप यहाँ। नीचे मेन रोड है और जो नीचे हमारे और छोटे छोटे गांव है तो वो भी हम देख सकते हैं। और पहले क्या होता था कि जैसे अभी भी बहुत सारे इश्यूज है यहाँ पे कि पानी का जो मेजर इशू है कि यहाँ पे कोई ज़्यादा वाटर सप्लाई का इशू है। तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले लोग जाते थे नीचे, ठीक है, अभी कितना किलोमीटर होगा दैट आई डोंट नो, बट मैं सन्नी भैया से पूछ के आपको बताऊंगी। तो यहाँ से सब नीचे जाते थे अपने घड़े और कैन ये सब कुछ लेके, और नीचे एक वो है नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, और वहाँ से पानी भर के फिर इतना ऊपर आते थे। ये भी सारे किसी के खेत हैं, यहाँ पे रहते हो अंकल। कौन सी? नाउ यू सी द ब्यूटी, वो सतलुज रिवर है जो यहाँ से पास होती है, और नीचे भी आप देख सकते हो इतने सारे गांव है, इतनी हरियाली है, एंड दूसरी साइड भी एक गांव है विच आई डोंट नो क्या कौन सा गांव है। मिंटी को पूछते हैं या गुड्डू को पूछते हैं। मिंटी मिंटी वो कौन सा गांव है उस साइड? ओके सो किसी को नहीं पता। ये बंदा, इसकी शक्ल दिखाओ, ये यही रहता है फिर भी इसको पता नहीं है। अब लास्ट है हमारे सन्नी भैया, अगर सन्नी भैया को नहीं पता होगा तो मतलब किसी को भी नहीं पता होगा, उनको डेफिनेटली पता होगा, जिसपे मैं बेट भी लगा सकती हूँ। अब भैया बताएंगे कि हमें कि वो गांव कौन सा है जो वो हमारी सतलुज रिवर के दूसरी साइड है। सो भैया बताओ वो कौन सा गांव है जो दूसरी साइड है। ये रिवर अपना देलग गांव है, देलग नाम है इसका। कहीं से भी चल पड़ो क्योंकि ये वीडियो में सबको पता चल जाएगा हम कहाँ से आए। फिर वो हमारी क्लास ले लेंगे घर आके। सरसों का फूल, इसी से बनता है साग जो कि मुझे बहुत पसंद है। फूल से बनता है वो कोई, पर ये सरसों का फूल ही होता है ना, इसके साथ में जो पत्ते लगेंगे वो साग के होते हैं, है ना शायद। भैया 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 कॉल पे बिजी मैन। इनको पूछते हैं जो पीछे आ रहे हैं ना दो। चलो विपिन जी आप बताओ ये सरसों का साग वाले पत्ते कौन से होते हैं और उनका लिंक ये सरसों के फूल से कैसे होता है? ये तो पता नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच। फूल अलग होते हैं और पत्ते अलग होते हैं, तो मुझे हाँ मतलब ये फूल होते हैं ना, फूल के साथ वो पत्ते लगते हैं शायद शायद हाँ ऐसे ना? ना मैंने तो खाया ही है सिर्फ। हम तो तोड़ने भी नहीं गए कभी खेत से ना, हम तो सिर्फ खाते हैं जो वो बना हुआ देते हैं ना अब मम्मी वगैरह, तड़का भी नहीं लगाते। हाँ ओके ओके ही इज फ्री नाउ।
लेट्स आस्क भैया, ये सरसों का फूल होता है ना? हाँ। ये सरसों का फूल सरसों के साग के पत्तों से कैसे लिंक्ड है? इसका बीज है, इसका बीज बोते हैं हम लोग। हाँ। फिर ये निकलता है, ठीक है। और ये इससे हमारा जो ऑयल होता है ना, मस्टर्ड ऑयल, सरसों वाला तेल, सरसों का तेल, हाँ वो भी निकलता है। ओ। पर ये साग के पत्ते कहाँ से आते हैं? वो भी इसी से आते हैं, मतलब वो फूल के जो पत्ते लगते हैं वो सरसों का साग होता है। हाँ जी। ओ या सो मैं जो बोल रही थी वो सही था। ओके तो यहाँ पे देखते हैं ये कौन बैठे हैं। ये भी इसके साथ आया है। ये रिवीलिंग द फेस बाबा। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? बैठे रहे बच्चा, तू पला रहा है। तू पला रहा है? कितनी लालिया सुबह से। तो बच्चा लाने बोए क्या कमाई है से? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दो बातें बोल अपने दिल की। मेरी बातें नहीं है। नहीं दिल की बातें नहीं, तेरे को मल्यावर अच्छा क्यों लगता है? चल बता। मल्यावर नहीं लगता। नहीं लगता? अच्छा क्या लगता अच्छा। है फिर भारत अच्छा लगता है? वाह प्योर पैट्रियटिज्म। खाने में तेरे को क्या अच्छा लगता है बेटा? आइसक्रीम। बस पूरा दिन आइसक्रीम खा सकते हो? और क्या ये हमारे देसी गांव के बंदे भारी है जो स्पेशली वीडियो के लिए तैयार हो के आई है। सो स्टनिंग इन रेड, कितने सुंदर लग रहे हैं आप लाल में। हां कर दा हॉट एज फायर। चलो चल उड़ाओ यार इसको, क्यों नहीं उड़ा रहे तुम लोग? बैटरी ले दो, बैटरी से चलो। यहां पे कुछ टाइम पास गेम्स बंद कर रहा 3 बजे तो गांव में सारी जगह होती है वैसे हमारी। चलो कौथर में बने 11। नमस्ते मामा जी, ये हमारे मामा जी। हाँ जी। और अब हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ मल्यावर का नाम मल्यावर क्यों पड़ा? मल्यावर को मुझे ना बच्चा पता। कौन है जिनको पता हो सकता है? पंडित सिमराम को पता है। ओके चलो अब ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट हो चुका है। पंडित शिवराम जी। पंडित शिवराम पता नहीं है उनका जो पैरवी पता। इनको भी नहीं पता। चलो दादाजी के पास। दादा भी सबसे बुजुर्ग हैं, इनसे पूछो। हाँ। दादाजी नमस्ते। आप पूछो, पहाड़ी में पूछो। अच्छा हमारे गांव का नाम मल्यावर कैसे पड़ा, ये क्यों रखा था? हमारे गांव का नाम ना मल्यावर क्यों रखा था? मरियाड़ी क्यों बोलते हैं? दादा ख्याल ना रहा है ना, मरियाड़ी रखा पहले से। नहीं क्यों रखा था ये? अच्छा आपको भी नहीं पता? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। बातें बता दो आप मल्यावर की, दो अच्छी बातें बता दो मल्यावर की। चलो सत्य अच्छी बातें लग रही है। दो कोई दो है? कोई दो अच्छी। बहुत अच्छा लगता है मल्यावर के बारे में। पानी मिल गया। हाँ। अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी। बस फसलों लग रही है, गाय से खाए रहे हैं, दो बटा ही। वाह वाह दादाजी वाह, क्या बात। अभी हम पंडित शिवराम जी के पास पहुंच गए। ये हमारे पंडित शिवराम जी, वैसे हमारे दादाजी भी हैं, चाचा जी भी हैं। अच्छा ऑल इन वन पैकेज है। अच्छा मैं मल्यावर की दो बातें बताएं जो आपको अच्छी लगती है। जो आपको अच्छी लगती है वो ना हमें लगता है अच्छा कुछ नहीं। बोतल लगा जो अच्छी लगा छी लो, ठीक है। ये हमारे ये आप लोग क्या कर रहे हैं अभी? फिर मैं ना कराई अभी जी। आप धूप लगानी है। अच्छा। फिर काम को जाना है। कहाँ जाना अपने काम को? घास लाना है, पानी भरना है। अच्छा आपकी गाय कहाँ पे है? भैंस है हमारे। भैंस है आपकी? कितनी भैंस है आपके पास? एक भैंस है। अच्छा दूध देती है? कितना दूध देती है प्रतिदिन? कितना लीटर? 4 लीटर। 4 लीटर? वाह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। किसी को दूध लगवाना हो तो लगवा सकते हैं? लगवाया है हमने। लगवाया है? हाँ जी। अच्छा किसको? लग रहा क्या ये बराड़ त्रिया। हाँ अभी बताओ मामा जी, ये मल्यावर का नाम मल्यावर क्यों रखा गया? ये बहुत पहलवान थे, हम पहलवान बहुत ज्यादा
उनके नाम से मल्यार नाम रखा गया। अच्छा, कोई मल्यार की दो बातें बताएं जो आपको अच्छी लगती है। एक तो खेती अच्छी लगती है, अच्छी साईं माता का मंदिर अच्छा लगता है। ओ